ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तीसरी रिपोर्ट है ये, एक मलीर एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, एक्सप्रेसवे तो अपनी जगह, साइड में सारी ज़मीनें सर्वे बन चुकी हैं। एक वज़ीर हैं सूबाई माशाल्लाह, बड़े हंसते मुस्कराते रहते हैं, उनकी टीम उन्होंने छोड़ी इसके ऊपर खुफिया तरीके से, लगे रहो मुन्ना भाई। मतलब आजकल इसके दौर में सर्वे भी उठने लगे हैं, सर्वे ज़मीनें कभी नहीं होती थी, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, इसने तरक्की कर दी है कि ये सर्वे ज़मीन वहाँ, वो सर्वे ज़मीन वहाँ, जाली खाते बनाओ, जाली सर्वे बनाओ, जाली पत्थर उठाओ, थर पार करके आरओ प्लांट्स के ऊपर भी जो 100 अरब की जो उसकी उसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो करप्शन हो रही है उसको भी ट्रांसपेरेंसी ने कहा, और वाकईतन हो रही है। पहले असल पैसे खा गए, उसके बाद मेंटेनेंस के पैसे भी खा गए, वो भी जायज़ है इनके लिए ना। पेट भरता है ना इनका पेट फटता है, पता नहीं कौन सी दवाई, कौन से हकीम की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं कि बिल्कुल लक्कड़ अजम पत्थर अजम गवर्नमेंट है ये, हर खाओ खाए जाओ। ये जो डेस्कों का इशू है, इस डेस्कों के इशू को हम छोड़ेंगे नहीं। पिछले 13 साल में 1450 अरब, 1450 अरब तालीम पर खर्च हुए, पिछले साल तकरीबन 250 अरब, इस साल 270 अरब का बजट है, और 10,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं और 2,65,000 डेस्कें खरीदी जा रही हैं। 2019 में जब इसका ठेका फ्लोट होता है और ये कहते हैं जी ये डेस्क तो 12,000 रुपये की है, सरकारी नर्ख 12,000 रुपये रखे जाते हैं, लेकिन जब ये मार्केट में फ्लोट करते हैं तो एक बिडर आ जाता है, वो कहते हैं जी यही स्पेसिफिकेशन 6,500 की ले लो। मैं कहता हूँ उसको जान की अमान कैसे मिल गई, इतना बड़ा उसको तो जेल में होना चाहिए था, वो तो वाजिबल कत्ल होगा इनकी किताब के अंदर, कि 12,000 की बिट को उसने कैसे कम करके दे दिया। भाई 12,000 में देता, 6,000 इनको देता, इनका पेट भर जाता। उस 6,500 में जो डेस्क ऑफर की गई, जो 12,000 इन्होंने सरकारी कीमत रखी थी, उस बिडर को नहीं दी गई, वो उस बिडर को वो कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद एक वजीर उतारे गए, मिस्टर क्लीन शेव सईद खरी साहब, बड़ा नाम, गाड़ियां भी दो दो रखते हैं। 5 किलोमीटर का कॉरिडोर नुमाइश तक कंप्लीट हो चुका है, 22 स्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, कमांड एंड कंट्रोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसके अलावा नुमाइश अंडरपास जो कंप्लीशन 30 सितंबर को इंशाल्लाह कंप्लीट हो रही है, ITS सिस्टम जो है वो हमारा ग्रीन लाइन का 20 सितंबर को इंशाल्लाह ओके हो जाएगा, बस ऑपरेटर ड्राइवर को हवाले कर किया जा चुका है, और उसके अलावा बसेज जो है 20 को आ रही हैं, और इंशाल्लाह सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हैं, वो भी 10 दिन में वो लोग आ जाएंगे, और तकरीबन ये टोटल अमाउंट इसका 25 अरब रुपये का ये अमाउंट था, जो मैं समझता हूँ अलहमदिल्ला ग्रीन लाइन बस सर्विस ऐलान तो हो गया था हमसे पहले, लेकिन सारे इसके इसका ट्रैक हमने बनाया, इसके सारे काम इसके अलहमदिल्ला हो चुके हैं। तो कराची को जो इस हुकूमत ने 13 साल में 13 बस के एक बस में ली थी, अलहमदिल्ला ग्रीन लाइन बसेज आपको इंशाल्लाह मिलने जा रही हैं। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स, इस दफ़ा वो चैम्पियन एक आए हुए हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं अभी तक कमारा था, पहली दफ़ा कोई मुझे एडमिनिस्ट्रेटरी मिली है, नहीं कमारे नहीं है ये फ्रेश नहीं है, ये उसके मुश्ता भाप साहब, ये कोस्टल डेवलपमेंट के वजीर रहे हैं, आजमाए जा चुके हैं, और कोस्ट में कोई एक कोस्ट डेवलप की हो तो ज़रा बता दीजिए। इन्वायरमेंट के वजीर रहे हैं विद द स्टेट एडवाइजर विद द स्टेटस ऑफ मिनिस्टर, इन्वायरमेंट में कोई एक नेक काम किया हो सिवाय अपने नई मुगल के जरिए भत्ता लेने के, फैक्ट्रियों से भत्ता, बिल्डिंग से भत्ता, रहने उसी के ऊपर पैसा लेने के, मुर्ता बाप वो नहीं है। Another clean shave, not Mr. Clean. ये जितने इनके लोग हैं जिसको Mr. Clean पेश करते हैं, ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। एक 1.1 मिलियन कचरा हमने उठाया, ये कचरा उठाने की जिम्मेदारी आपकी थी, सॉलिड वेस्ट आपके पास है, 1.1 मिलियन टन कचरा, 10 लाख टन से ज़्यादा कचरा जो आपने फेंका वफात में, आपका गंद भी हमने साफ किया, बिलावल हाउस की आग भी हमने बुझाई, और हमसे क्या चाहते हो, कचरा तो आपका था। 1.1 मिलियन टन कचरा हमने उठाया, 12 फिट रोड और 7.1 किलोमीटर और 47.5 किलोमीटर 15 फिट रोड जो है ये हम बनाने जा रहे हैं, जो 35 अरब रुपए इसको दिए,
54.7 किलोमीटर आरसीसी वॉल इसके ऊपर बनेगी। कहीं आप सोचेंगे 35 अरब में 3 नाले कैसे साफ हो गए, तो बताना चाह रहा हूँ क्या कुछ होगा। टोटल फंड 34.5 बिलियन इसको दिए गए। एनक्रोचमेंट महमूदाबाद 100% खाली हो गई, गुजर नाला 97%, औरंगी 86%। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा किराए के पैसे भी हमने दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा अगर कोई खैर रही तो वो इसलिए कि इन नालों की सफाई हो चुकी है और नज़र आ रही है। हमने कर दी, लेकिन इन्होंने कहा था कि 500 नाले डीएमसी के और 41 नाले केएमसी के हम साफ करेंगे। मैंने उस रोज़ भी चैलेंज किया था, हम अपने 3 नाले आपको दिखाने को तैयार हैं, ये 541 में से 5 नाले हमें दिखा दें जो इन्होंने साफ़ किए हों, तो ये सारा जो क्रेडिट ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेन का काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने पर 1100 अरब पैकेज की बात कर रहा हूँ, ये इसके अंदर सेकंड चीज़ हमारी हो चुकी है। केसीआर अलहमदिल्ला इसकी केसीआर का इसी सितंबर के अंदर इफ्ताह होने जा रहा है। हम लोकल ट्रेन हम सब आप तो बच्चे होंगे, बहुत सारे नहीं देखे होंगी, एक फी था इस ज़माने में चलती थी, अब दुनिया में जाते हैं, क्योंकि बाहर जाओ हम ट्रेन में बैठते हैं, हर जगह बैठते हैं, लेकिन हमारे पास इंशाल्लाह केसीआर का इफ्तिताह ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है। 43 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर एलिवेटेड है इसके अंदर, इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग इस सितंबर में होने जा रही है। 1100 अरब पैकेज, हेयर इज 1100 अरब पैकेज, ये है 1100 अरब पैकेज। इसको पूछता हूँ कहाँ गया, यहाँ गया, आपसे पूछता हूँ 8900 अरब कहाँ गया, जवाब दो। अच्छा ये फ्रेट टर्मिनल, ये सारा ट्रैफिक हमारी, ये बस ट्रक सॉरी ये ट्रेलर वगैरह सारे शहर में घूमते हैं, कंजेशन होती है, ट्रैफिक जैम होता है, रोडें तबाह होती हैं। इंशाल्लाह फ्रेट कॉरिडोर जो है इसके एक महीने बाद उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, 55 किलोमीटर का केपीटी से पिपरी का, इंशाल्लाह इसका भी एक महीने बाद मतलब इसी 2000 अक्टूबर में शायद इसका भी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी इंशाल्लाह, जो कि मच अवेटेड थी। K4 एक और इस शहर कराची को करबला बनाने वालों, अल्लाह भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, 13 साल में एक बूंद पानी नहीं दिया बढ़ाया कराची के लिए, एक डॉक्टर सिंह 13 साल और 13 अरब ज़ाया कर दिए। K4 की गलत डिज़ाइनिंग कराई, गलत मैनेजमेंट की, हिसाब कौन देगा इस 3 अरब का एजुकेशन का हिसाब, ये 13 अरब के जो जारे किए वो भी वफाक ने दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसका वापदा के हवाले हो चुका है, उनकी वो आ जाएगी इंशाल्लाह, स्टडी आ रही है उनकी उसके बाद, लेकिन इंशाल्लाह 2023 के अगस्त में ये K4 का 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करेंगे।